स्वामी जी आज तो एकदम मेला फलक गया है, कोई ताइक्वांडो कर रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई कलरी आर्ट दिखा रहा है। स्वामी जी ऐसा माहौल अगर मिल जाए तो बच्चों का ऊपर तक जा रहे पूर्ण विकास तो कोई रोक ही नहीं सकता, सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन स्वामी जी चूंकि सर्दी का मौसम है, शिमला धर्मशाला से भी ज्यादा सर्दी तो मैदानी इलाकों में पड़ रही है, लोग हैरान हैं और इसका असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। इमरजेंसी में 80% मामले सर्दी से जुड़ी हुई परेशानियों से आ रहे हैं, इसमें रीढ़ की परेशानी कॉमन है। तो योगाभ्यास के साथ साथ एक एक करके अलग अलग परेशानियों को हम शामिल करते जाते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि गर्दन और कंधे में अगर ऐंठन और अकड़न की परेशानी हो तो फिर क्या करें? तो देखो जो ऐसे करेंगे, ये तो मैंने मलखंब की तरफ तो अभी देखा, इधर तो अभी नजर डाली और इधर तो ऐसा जबरदस्त हो रहा है मामला कि हमको भी देख के डर लग रहा है किसी की गर्दन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। खैर अब किसी की गर्दन में ऐंठन हो तो क्या करें, तो उसमें तो हल्का फुल्का ही करना पड़ेगा। चलो बेटियों उष्ट्रासन करो, जो सूर्य नमस्कार करेंगे तो उनको ये तकलीफ होगी ही नहीं। और ऐसे गर्दन में ऐंठन हो तो एक तो ये कर लेना, चलो, और यदि ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप उधर मुँह करो और उधर, हाँ करो, ऐसे करो, ये ऐसे कर लें पूरा पीछे। ये हमारी बेटी देव शौर्या बलवान भी है और देव योगिनी, तो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन इतना भी ना हो तो कम से कम ये 3-4 अभ्यास कर लें, एक ऐसे, ये दूसरा, ये और तीसरा, फिर ऐसे हाथों को गर्दन के पीछे लगा दिया। थोड़ा थोड़ा सूरज उग गया है, सनी डे है आज, कोहरा नहीं है लेकिन ठंड तो है, ये ऐसे, फिर ये, और भुजंगासन करो बच्चों, भुजंगासन कर लें और उष्ट्रासन कर लें, ये बड़े ज़बरदस्त है, इससे पूरी गर्दन की अकड़न भी खुल जाएगी और गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा लें। जिन्होंने ऐसे कर लिया फिर तो आनंद ही हो जाएगा, ऐसे, ये, फिर ये भुजंगासन, होले 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 होले, और आप मरकटासन करो, ये भुजंगासन देव शौर्या जी की तरह और देव योगिनी जी की तरह ये मरकटासन। तो ऐसे मरकटासन, ऐसे भुजंगासन और बैठ करके थोड़ी सी एक्टिविटी कर ली, पूरी गर्दन खुल जाती है और जिसने ये कर लिया इससे सर्दी भी दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। लोग गुदड़ियों में पड़े हुए हैं, 5-5 लेयर पहन रखे हैं, नीचे बनियान, ऊपर इनर, उसके ऊपर स्वेटर, फिर कोट, फिर कंबल, और फिर सिर ढकने वाला टोपा, फिर कान ढकने वाला मफलर, और यह देखो जिनका वजन, ये हमारे कृष्णा बड़े मस्त है जी, वो 55 किलो, और सारी बेटियां हमारी, ये बेटे, हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो गर्दन तो अब किसी की गड़बड़ नहीं रहेगी, और गर्दन के साथ साथ कमर के लिए भी अच्छे हैं। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, सीधे ही पैर करके एक पैर ऐसे दूसरी तरफ चला गया और इसमें सलभासन हो गया, ऐसे सलभासन, ऐसे मरकटासन। और मैं तो कहता हूँ बचपन से अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, ये हमारी कमर 33 के 33 वर्टिब्राज हमारे कमर के मजबूत रहे। और मैं पीछे देख रहा था इसे ऐसे उठा उठा के पटक रहे हैं, किसी नए आदमी को पटक दिया ना तो उसकी तो रीढ़ की हड्डी चली जाएगी, लेकिन पीछे तक आनंद ही आनंद हो रहा है। और जो है फिर दही छाछ नींबू अचार टमाटर, खट्टी चीजें बंद करनी पड़ेगी, सोने का पोस्चर ठीक रखना पड़ेगा, बैठने का पोस्चर ठीक रखना पड़ेगा, और कब्ज नहीं होनी चाहिए, और कब्ज रहती है तो त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, अभयारिष्ट ले ले, ये कब्ज नहीं रहेगी ना तो पूरी पीठ, पूरी गर्दन एकदम फ्री रहेगी। कब्ज रहने से, गैस बनने से वात की शुरुआत होती है और
इसलिए मैं कहता हूँ दशमूल क्वाथ या पिडंतक क्वाथ का काढ़ा बना करके पी लेना, तो फिर वात रोगों का प्रशमन प्रारंभ हो जाता है।